रोलिंग एक्शन। और दूसरे नंबर पे है रोलिंग एक्शन। और दूसरे नंबर पे है पेंसिल। टीम बी और अब तीसरे नंबर पे है आखिरी स्पॉट है, अभी भी उम्मीद है राजभर। देखिए घूम मारेंगे सोलह इसके बाद 12 बच्चे अपने घर चले जाएंगे अपने सपने तोड़कर और 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे। सोलह और तीसरी टीम है टीम ए। अरे सर मेरा पैकअप हो जाएगा बस। ओके भारत ओके। नहीं ये लास्ट शॉट। रुको रेडी रोलिंग एक्शन। और तीसरी टीम है टीम ए। राज बोलते आपकी जस्सी ने अभी बहुत जगह पहुंचने पड़ी। राज बोलते आपकी जस्सी ने अभी बहुत जगह पहुंचना है भाई साहब। इन्होंने राज का भी क्लोज ले लिया पूरा माहौल ऐसा। रोलिंग सुनिए मैम आपका कंधा थोड़ा सा मतलब ऐसे। रोलिंग और तीसरी टीम है रोलिंग टीम ए।
हाँ ये हो गया। ओए जस्सी, जस्सी, well done बच्चे, well done। कमाल कर दिया तूने, ओए। सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए, सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए, सारे क्वालिफाई। well done बच्चों, well done। वहाँ पे जाके सुरी ने हाथ किया कुलविंदर जी को। अभी ओए क्या कर रहे हो? आज तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी आज तो छोड़ दो। सीन के बारे में बताइए, आज बच्चे जीत रहे, आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो अभी हमारा फिलहाल चल रहा है ट्रैक, इसमें परवरिश में, इसमें हमारे बच्चे इनके बच्चे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें कि जैसे आपने देखा हम चीयर कर रहे हैं कि वो क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद में फिर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर शुरू होगा जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा, तो आप सब देखिएगा। और तो अभी जो चल रहा है उसमें थोड़ा कोई आगे है कोई पीछे है, तो थोड़ी बहुत टेंशन चलती रहती है कि कभी कोई अच्छा कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी रिया आगे है, कभी जस्सी आगे है, कभी जोगी आगे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि तीनों बच्चे जीत जाएँ और तीनों बच्चे क्वालिफाई हो जाए, तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। ये चाहते हैं कि तीनों बच्चे हो जाएं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे क्वालीफाई हो, इनके बच्चे देख लेंगे, रह भी जाते कोई टेंशन नहीं, हमारे बच्चे होने चाहिए, जरूरी है। माहौल है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी हंसमुख लोगों का शो है ये, हमको कोई रीजन नहीं चाहिए हंसने के लिए, हंसते रहते हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे थोड़े से पागल हैं। तो वो पागलपन जो है उसमें पटी का उसमें अच्छा लीडर जो लीड करते हैं इस टीम को, पागलपन की टीम को, वो ये है संदीप सबसे बड़े पागल पटी का। इस पागलपन में अच्छे से दिन गुजर जाता है, काम के साथ साथ थोड़ी हंसी मजाक मस्ती चलती रहती है, उसमें अच्छा दिन निकल जाता है, काम का पता नहीं चलता। खेल चल रहे हैं तो आपको क्या लगता है बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट रहा है ऐसे? नहीं, ये कंपटीशन में पढ़ाई भी है, ये इसमें पढ़ाई भी है, खेल कूद भी है, जिमनास्टिक भी है, रेस भी है, सब होम कुछ साइंस भी है, ऑल ओवर ओवरऑल मिला के है पूरा। हाँ, जनरल नॉलेज है, एक जीके क्विज राउंड है, होम साइंस है, डांस है, कराटे है, जूडो है, सब कुछ है, दिखाने के लिए कि आजकल के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं हर चीज़ में आगे होना चाहिए। कंपटीशन भी उसी बारे में है कि सिर्फ एक ही स्तर पे नहीं बाकी हर स्तर पे बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, और उसी के बारे में देखिएगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर शुरू होने वाला है हमारे इस शो पे, तो आप सब देखिएगा। बहुत चुका है दरअसल, हाँ क्वालिफाइंग राउंड हो गया है तो मेन अभी इवेंट शुरू होने वाला है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी तरफ से, मेहनत कर रहे हैं, आप भी बच्चे और बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अपनी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि अगर परवरिश सीखनी है तो ये शो देखिए, परवरिश देखनी है तो ये देखिए, परवरिश अभी शुरू नहीं हुई है, आगे शुरू होने वाली है तो उसके लिए सीख ले लीजिए, और अगर आपकी परवरिश में कोई दिक्कत रही है तो यहाँ से सीख लेके आप अपने माँ बाप को सिखाइए कि परवरिश कैसे करनी चाहिए। कुछ भी हो परवरिश जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सीजन 2 सोनी टीवी पे मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे प्लीज देखिए, प्लीज देखो। थैंक यू। उन्हें अब दो दो की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, दो दो की टीम। मैं तो कहता हूँ रिया कि इस राउंड के लिए भी मैं और तुम एक दूसरे के होके रह जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी और मेरी जोड़ी सुपर हिट है। बच के रहना चुकी, अगर मैंने तुम्हें हिट कर दिया ना किसी कंपटीशन के लायक नहीं रहो। वो कंपटीशन? वो तुम मेरी हो जाओ तो मैं पूरी जिंदगी छोड़ दूँ, कम ऑन हिट मी। आई जस्सी, हाय। लो जी कहिए। जस्सी से लो धक्का मारते से ना, धक्का मारते फोकस रोल एंड एक्शन। हाय ऐसा एक और लेते हैं, कम ऑन हिट मी से लेते हैं। Action. Come on, hit me. I just see. Hi. Hey, ji. अरे बस एवी यार, बस थैंक यू जी। देखो जी चाची, अपना बेस्ट और अपना लक अपनी पास रखो, क्योंकि स्टडीज के राउंड के लिए ना मेरी बहन को किसी के लक की जरूरत नहीं है। नो no. अच्छा तुम्हें किसने बोला कि अगला राउंड स्टडीज का राउंड होगा? व्हाट इफ डांस राउंड हुआ तो? जस्सी तू डांस करेगी? वाओ। नहीं नहीं मेरे से नहीं होता है सब, तुझसे कुछ नहीं होता। ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है, यहाँ मत आ, समझ आए कि अंग्रेजी में बोलूँ? समझ आई, चल। ओए
हाँ बाकी सब इधर है ना एक्शन तो जो 12 लोग यहाँ छटाई होके आए हैं उनकी अभी तो खुश रहे जस्सी सारी सीजन में रोटी हो गई मालूम है हाँ तुम आ जाओ उठो उठो तुम आ जाओ यहाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जब वो बोलती है ना तब थोड़ा डर जाता अभी ये देखो सर पीछे बैठने के लिए बोले क्या पीछे बैठो और ऐसे बैठो उधर फेस ऊपर रखो और जो 12 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी छटाई के लिए अब दो दो की टीम्स बनाई जाएगी दो दो की टीम्स और रिया मैं तो कहता हूँ कि इस राउंड में भी तुम यही होके रह जाओ एक काम करना सुनना एक्शन और जो 12 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी छटाई के लिए अब दो दो की टीम्स बनाई जाएगी दो दो की टीम्स रिया मैं तो कहता हूँ कि सेलेक्ट हुए उनकी छटाई के लिए अब दो दो की टीम्स बनाई जाएंगी दो दो की टीम्स रिया मैं तो कहता हूँ कि इस राउंड के लिए भी तुम मेरी होके रह जाओ क्योंकि तुम्हारी और मेरी जोड़ी सुपर हिट है बच के रहना जोड़ी मैंने तुम्हें हिट कर दिया ना तुम किसी कॉम्पिटिशन और तुम मेरी हो जाओ तो मैं तो जिंदगी छोड़ दूँ कम ऑन ऐसी लोग चीट करो ये लुक रखना हाँ कंपटीशन इसे पहले एक्शन कंपटीशन ओ तुम मेरी हो जाओ तो मैं तो जिंदगी छोड़ दूँ कम ऑन हिट मी जस्सी हाय सभी लोग चीट करो हाँ चीट किया और जीत पर और ये बस ये देख रोल एंड एक्शन जस्सी हाय हेलो जी कहिए नथिंग बस एवी थैंक यू जी अरे चाची अपना बेस्ट और अपना लक अपने पास में रख क्योंकि मेरी बहन को स्टडीज के राउंड के लिए किसी लक की जरूरत नहीं है अच्छा तुम्हें किसने बोला कि अगला राउंड स्टडीज राउंड होगा व्हाट इफ डांस राउंड हुआ तो जिसकी तो डांस करेगी नहीं नहीं मुझे नहीं आते डांस चांस जिसकी उस बहन जी टाइप से टाकी ओ माय अपना टाकी तो भी अपने पास है वहीं बैठे हुए फर्स्ट क्लास का डब्बा है समझ आएगी अंग्रेजी में बोलिए आज आप ये ट्रेन आगे बढ़ाओ Cooking up on stage in style.